मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, आपको सादर नमस्कार। साथियों, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। सरल शब्दों में कहा जाए तो लोकतंत्र में जनता ही सरकार है। लोकतंत्र में जनता अपने अधिकार को 5 साल तक काम करने के लिए किसी दल या किसी व्यक्ति को देती है और ये अधिकार आप 5 साल में एक बार वोट डालकर सौंपते हैं। 2018 में आपने मध्य प्रदेश में ये अधिकार 5 साल के लिए कांग्रेस को दिया था। आपका मन और निर्णय पुरानी भाजपा सरकार को हटाने और नई कांग्रेस सरकार को लाने का था। कांग्रेस को सत्ता सौंपते वक्त आपके मन में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का संकल्प था। नई आशा और नई सुबह के साथ प्रगतिशील मध्य प्रदेश का सुंदर सपना था। आपकी आशाओं के अनुसार हमने तेजी से काम करना शुरू किया। मैंने अनेक प्रयास प्रारंभ किए और हम बेहतर परिणामों की ओर लगातार बढ़ रहे थे। मुझे और मेरी सरकार को पूरे 5 साल काम करने का मौका मिला होता तो आपकी आशाओं और सपनों का मध्य प्रदेश आज आपकी आंखों के सामने खड़ा होता। आपकी चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी होती, पर बीजेपी ने सौदेबाजी से आपके निर्णय को पलट दिया, आपके वोट को खरीद लिया, जनमत की सरकार के ऊपर धनबल की सरकार को बिठा दिया। बीजेपी का नोट जनता के वोट से बड़ा हो गया। साथियों, जब मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की साजिश की जा रही थी तब मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था कि मैं भी बीजेपी और सौदेबाजों की तरह खरीद फरोख करूं, सौदेबाजी करूं और मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा लूं। और दूसरा रास्ता था कि मैं सौदेबाजी का विरोध करूं, जनता और मध्य प्रदेश के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग दूं और मेरी जनता के साथ खड़ा हो जाऊं। मैंने आपके साथ खड़ा होना चुना और मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग दी। साथियों, मेरी पहचान आपसे है क्योंकि मैं भी एक आम मध्य प्रदेश वासी हूँ। आपके वोट की ताकत और मेरे वोट की ताकत एक बराबर है और इसीलिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ। मैं कभी नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश की पहचान सौदेबाजी से हो। आज मध्य प्रदेश में बाहर के लोग आकर खुले मंच पर सीना तान कर कहते हैं कि एमपी में विधायक खुलेआम बिकते हैं और थोक में विधायक खरीदने पर डिस्काउंट भी मिलता है। ये मध्य प्रदेश आकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता पर ताना मारते हैं। मैं इस खतरे को जानता था। मैं मध्य प्रदेश की पहचान को लेकर चिंतित था और इसीलिए मैंने सौदेबाजी नहीं की। लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता के माथे पर सौदेबाजी का कलंक लगा दिया। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता के अधिकारों को छीनते हुए जनमत से नहीं धनबल से प्रदेश की सरकार बदली गई। साथियों, सरकार बनाना और सरकार बदलना जनता का अधिकार है। इन सौदेबाजों ने आपके अधिकार को छीना और प्रदेश के माथे पर कलंक लगाया, पर हम इस कलंक के साथ नहीं जिएंगे। हम इस कलंक को अपने वोट की ताकत से मिटाएंगे। साथियों, अब वक्त आ रहा है कि लोकतंत्र को कलंकित करने वालों को हम जवाब दें, जनता के निर्णय का सौदा करने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब दें, सौदेबाजी से सरकार बनाने वालों को हम कड़ा जवाब दें। हम मिलकर, हम जुड़कर, हम एकमत होकर 2023 में जनता की सरकार बनाएं, आपकी सरकार बनाएं, ऐसी बहुमत की सरकार बनाएं जिसे पैसे और कुर्सी के सौदेबाजी से खरीदा ना जा सके। मैं मध्य प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूं कि आप मुझे इतनी ताकत दीजिए कि आपके वोट के सामने सौदेबाज खड़े भी ना हो सके। हम एक साथ होकर मध्य प्रदेश की गौरवशाली लोकतांत्रिक पहचान
को शक्ति देंगे और मध्य प्रदेश से सौदेबाजी की कलंक को मिटाएंगे। साथियों, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं और मेरी पार्टी हमेशा आपके साथ हैं। हम आपके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत हैं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय लोकतंत्र।